हेलो हेलो जीव ससुर सचिव जी, ट्रांसफर कैंसिल हो गया आपका। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? हम आगे फोकस करना है, ऑलरेडी एडजस्ट हो ही रखा हूँ। मुझे फालतू का लोकल पॉलिटिक्स होता है, उससे दूर रहना है बस। टंकी पे चाय पीने जा रहे तो सोचा, वैसे भी अभी दिन हो रहा है, कोई देख लेगा तो बातें बनाने लग जाएंगे। शाम को 7 बजे चल सकते हैं, मैं फ्री भी हो जाता हूँ और थोड़ा अंधेरे में जाऊँ। अंधेरे में जाके क्या करेंगे? गरीब आवास वाला लिस्ट आ गया, वो चुपका दिमाग। चल गया, फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड 12 घर में से 7 फुलेरा पश्चिम को मिला है, जिधर प्रधान रहता है, और फुलेरा पूरब को मिले केवल 4 घर। गांव को आपके जैसा मतलबी नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता चाहिए। सचिव जी, पंचायत का इलेक्शन माथा पर है। तो मैं क्या करूं प्रधान जी, अच्छा भला रिजाइन कर रहा था, हाल तो मैं वापस आ गया इस गाँव। हे राजा जी, सबको नेता बनना है ना? हाँ, तो चलो फिर नेता वाला काम करते हैं। रोड बनेगा कैसे? हमारे पास एक तरकीब है। क्या? विधायक जी के साथ शांति समझौता किया जाए। आप लोग तख्ता पलट कीजिए, सपोर्ट रहेगा। मान लीजिए आप ये पंचायत चुनाव हार गई, तो जब आदमी सामने से कह रहा है रोड बनवाने का इंतजाम हो सकता है, तो क्या बोलूं उसको? नहीं चाहिए रोड। बोलो नहीं चाहिए। देख रहा है बिनो, प्रधान जी गुस्सा दिखा रहे हैं। प्रधान बनने के बाद सबसे पहले यहाँ का बैठकी बंद करवाएंगे। वो एमएलए करना चाह रहा है शांति समझौता, तो करने देते हैं उसको शांति समझौता। कबूतर भी तोड़ाना है। कबूतर तोड़ाना है।